आ रही है किसी को। 3 दिन में इस्लामाबाद से नलतर पहुंचने के बाद अब बारी थी कि मैं अपनी लाइफ की मोस्ट एडवेंचरस जर्नी को शुरू करने की ना हिम्मत पकड़ता। आगे लेक्स में जाना तो दूर की बात थी, मेरा तो इसी नलतर वैली में इतना दिल लग गया कि दिल चाह रहा था कि एक हफ्ता और होता और मैं इधर ही टाइम सुकून से गुजारता। तो इस नलतर के होटल में ना आज कमाल की नींद पूरी करने के बाद सुबह सुबह हम लोग फजर के बाद सोई नहीं, और हमने कहा यार प्यारी सी डॉन देखनी और बाहर जो है ना ओपन लॉन में इंजॉय करना है और इस पूरे इन्वायरमेंट को एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर, फिर सुकून से नाश्ता करके फिर हम लोग आगे लेक्स के लिए निकलेंगे। جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا وعبير الأفراح ترات ومنانا اليوم يعانقنا طياب مدارسنا بذلت للعلم جهودا تكرمنا इतना प्यारा टाइम लैप्स आया ना इस पहाड़ का, सुबह आपको मैं मोबाइल में दिखाता हूँ क्या वो सनराइज हुआ पूरा ये पहाड़ कमाल। ये भी यात्री खुशी आएगा मुझे बहुत कमाल। आए बाप को मैं जाके हमारा जो अंदर से होटल का इतना प्यारा व्यू है वो दिखाता हूँ। इतना पीसफुल होटल, जैसे करके आप अंदर लॉबी में अंदर एंटर हो, प्यारा सा रिसेप्शन, सारी ज़मीन के ऊपर इस तरह कारपेटिंग हुई हुई है और ऊपर से तो आपने ड्रोन शॉट इसकी देखी है कि जो सेंटर सारा रीजन है इसके अंदर इनका डाइनिंग है और ये जो इस तरह वॉकिंग पास हैं आप देखें कितनी प्यारी वाइव है, मिरर्स लगे हुए हैं, नीचे कारपेट्स हैं, मतलब बड़ा ही पीसफुल था क्योंकि इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, रश तो बल्कि था ही नहीं। हमारा ये ग्रुप था और मेरा ख्याल है एक आध शायद प्रॉब्लम की और फैमिली थी। अब हमारे जो यहाँ से रूम जो है ना वो लेफ्ट पे 2 रूम्स हमने लिए हुए थे वो जिनके बाहर आप ये सारा जो है ना वो डाइनिंग वाला रीजन है बीच में। यहाँ पे नाश्ता करने का इतना मज़ा आया, पूरा ये सारा खाली पड़ा हुआ सुकून से हमने नाश्ता किया। वो सामने आप जो देख रहे हैं वो शूज़ हमारे पड़े हुए हमारे रूम्स के बाहर, ये हमारे 2 रूम्स हैं। सबसे प्यारी हाईलाइट इस होटल की यही थी कि इतने प्यारे व्यू के साथ, इतने काम इन्वायरमेंट के साथ, जिस तरीके से हमारी बाइक्स लाइन से अंदर लॉन में लगी हुई थी ना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत रेयर ऐसी जगहों पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप होटल के अंदर सामने फ्रंट पर लाइन से ऐसे अपनी बाइक्स लगाओ। हाँ ये हीरो का सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना, हमारी बाइक पे देखे सारे क्यूट क्यूट बच्चे बैठे। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा इस तरफ देखे, आपने राइट मोस्ट पे चले जाते हैं, निकल के यहाँ पे आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो जी आप थोड़ा सा वीडियो बनाए। जी जी सर। बस बाइक पे सामान शमान सेट करके हम लोग रेडी हो गए थे और एक और फैमिली आई हुई थी, उनके छोटे छोटे से बच्चे थे, उनको इतना इंटरेस्ट हो रहा था, बार बार एक एक करके आ रहे थे हमारी बाइक साथ और बाइक पे बैठ के फोटो खींचना चाह रहे थे। बस सबको मैंने बैठा के मैंने कहा चलो एक ही दफा सारे अपना शौक पूरा कर लो। बस सारी हमारी बाइक सेट हो गई, अब हमने निकलना था अपनी ज़िंदगी के मोस्ट क्रेजीएस्ट एडवेंचर पर जिसपे हम लोग गिरते मरते पहुँचेंगे लेकिन मज़ा आ जाएगा मैं कहता हूँ। चलो जी टाइम टू लीव फॉर द लेक्स नलतर की, ये ना इसके वाइड एंगल पर ना फुल 0.6 हाँ 0.6 पे करके बनानी है। हाँ नहीं लैंड सिर्फ
सी अंकल गलत जगह पे फंस गए चढ़ाई पे अंकल। अंकल की अब हेल्प करते हैं, रुको इधर। अगर आपको लग रहा है ना कि नलतर का रास्ता ये काफ़ी मुश्किल है, बड़ा ऑफ ट्रैक है, ये हमारे आगे जो है 70 ईयर्स के एक अंकल किसी बाहर की कंट्री से आए हुए फॉरनर, और ये होप हार के वापस जा रहे थे। जब हमने देखा ये वापस जा रहे हैं तो इनको हमने मोटिवेट किया और हमने कहा आप हमारे साथ चलें, कोई बात नहीं, हमारे साथ पूरा ग्रुप है। तो ये इन्होंने हिम्मत पकड़ के हमारे साथ आगे जा रहे हैं और लाइक बॉडी इनकी कांप रही और इतनी मुश्किलों से जा रहे हैं क्योंकि बाइक भी इनके पास 150 कहीं से इन्होंने रेंट करा के तो अब ये इधर आए हुए हैं। लेकिन इनकी हिम्मत देख के तो हमें भी उल्टा मोटिवेशन उठती है कि यार देखो 70 ईयर्स में ये अगर एक 150 cc बाइक और वो भी फजूल से टायरों के साथ अगर वो आई हुई है तो यार हमने तो पहुँचना ही पहुँचना है इंशाल्लाह। देख सकते हैं भाई ऐसे ट्रैक के ऊपर तो कोई बोल नहीं सकता नलतर के ट्रैक्स पे। इस पे आपका सारा फोकस इसे पे होता है। क्या हो गया, फिर तो नहीं कोई कर गया? रास्ता बना रहे हैं, बड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई है। ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी मेरे राइट लेग भीग गई है पानी से, पूरी पानी में डिप हो गई। ओहो, शू कवर ही फट गया। लो जी, अब ऐसे हम गीले पाँव के साथ ही जाएंगे। लेट द एडवेंचर बिगिन। आगे चढ़ाई इतनी है कि एक टाइम पे एक ही बाइक जा सकती है। आगे वाली जरा बाइकें निकल जाए फिर मैं आगे लेके जाता हूँ। जीप का वेट करते हैं भाई। बहुत बड़ी बड़ी डीप वाटर क्रॉसिंग्स हैं यार। लो जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सुभान अल्लाह, नमो करे भाई। जी वाह, हिबा की फर्स्ट प्रॉपर ऑफ रोडिंग ट्रैक है ये। थोड़ा सा पेस हमें भी पिक करना पड़ेगा। ये रुके नहीं, ये तो कोई और है। Somebody else, somebody else, somebody else. लो जी, एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई। बिस्मिल्लाह करके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाटर क्रॉसिंग ही वाटर क्रॉसिंग है ब्रो, माय गॉड। वो भी है भी पत्थर सर।
शोएब भाई को लगी है, फिर बाइक मेरे ख्याल खड़ी की है उन्होंने, क्योंकि हैं टोटल पत्थर है ब्रो, बहुत मुश्किल ट्रैक है यार। सुना तो ये है ना कि खड़ी करने की जगह तो बात की बात है, अल्लाह का नाम लेके जाते हैं वहाँ पे, आगे जाके खड़ी करते हैं पानी में से। कहाँ से जाना है यार, बाबा पसंद आ गया, तो फॉरनर तो नहीं है, ये रोड है वो 150 पे मिल रहे हैं यहाँ पे। वैसे एक काम एक बात बताऊँ, पीछे से कम अज़ कम आपके शूज़ मंगवा लें, आपकी शूज़ की लेयर इसके ऊपर होनी चाहिए। क्या कह रहे मुझे लगता है मुझे इस बैग को ना इधर पीछे बांधना पड़ेगा, ये आगे नहीं सही, सीट पे बांधते हैं प्रॉपर। चेक करें वहाँ लगती है, वहाँ लगेगी बाइक, आराम से आराम से उतराइए पीछे, आराम से आराम से। प्रोग्रेस हो रही है 50-60% प्रॉब्लम हो गया, अभी तो पहली लेग भी नहीं आई। अच्छा भाई, यहाँ से अंदाजन पहली लेग कितनी दूर है अभी? आधा एक घंटा हो रहा है अभी, एक घंटा होगा, आधा घंटा और होगा। चले जी, अब सारों ने अपनी हवा छवा भर ली है, थोड़े सांस वूस ले ली है, हौसले बुलंद हो गए हैं, अब फिर चलने लगे। शोएब भाई को निकालना है भाई, चले। ओ या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, ओ या अल्लाह। खैर अंकल के हमें पीछे ही रहना चाहिए एक बंदे को। अंकल की बाइक बंद हो गई थी इधर, असल में ब्रेक्स भी इतनी अच्छी होती ना उसकी, पहले गियर में लेके जा रहे थे अंकल। यार आप बंदे की मोटिवेशन देखो, पता नहीं किस कंट्री से पहली बार आए होंगे, रेंट पे लेके 70s में है, मतलब उनकी जान बता रही है कि बंदे में जान कोई नहीं है, स्किन इतनी लूज है उस बंदे की, बट यार मोटिवेशन होती है भाई, इसको कहते हैं मोटिवेशन। वाह ग्रेट, या आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Climbing up on the first gear, so you have to also use the same gear when you are going downhill. So only use first gear when you see that there's uphill. So just change your gear in advance. कह रहे हैं मैं कौन सा gear use करूँ? ये over conscious हो रहे हैं कि bike इतनी slip नहीं करनी चाहिए, ये ज़्यादा braking कर रहे हैं।
अल्लाह रहमान रहीम। अब अंकल को लेके आते हैं। यू हियर, ग्रेट, ग्रेट, वाओ, या लेट्स डू इट। यस, मैंने कहा अभी तक पीछे होंगे, मैं उतर के जा रहा था, उनको पहुंच ही गए। यस 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 पापी, चलो चल भाई। आप क्या सीन है, लगता है कुछ ज़्यादा ख़राब आ गया। आगे आगे तो जगह ही नहीं है, अब रास्ता बनाना पड़ेगा भाई। इसमें से निकाले, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, मैं ये वाला पत्ता सोच रहा हूँ, बड़ी जोर की याद लगी है। ऐसे उछली है, थोड़ा मुझे टैंकी लगी है नीचे, वो सुन हो गया, बचत हो गई है, बचत हो गई है। हाँ, इन्होंने कैश गार्डों ने बचा दिया। आइए झील के, नहीं आ गई, मरते मरते झील पहुँच गए। अभी तक पहली झील आई है भाई, फाइनली।